पिछले 2 महीने से बहुत ही इंटेंसिफाइड एंटी टेरर मेजर्स हम लोग ले रहे हैं। हमारा एक 26 पैरामीटर्स पे ये मेजर्स लिए जाते हैं, जो पिछले 2 महीने से बहुत इंटेंसिवली पूरी दिल्ली में लिए जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमेशा की तरह दिल्ली एक टारगेट के रूप में रहता है किसी भी आतंकवादी अथवा कोई भी असंतोषी एलिमेंट्स हैं उनके टारगेट के रूप में दिल्ली हमेशा से रहा है। इस साल भी हम लोग इस बारे में काफ़ी अलर्ट हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज, स्टेट पुलिस और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के कोऑर्डिनेशन में दिल्ली पुलिस पिछले 2 महीने से बहुत इंटेंसिव एंटी टेररिस्ट मेजर्स ले रही है। इसके तहत शहर में आपने देखा होगा नाकाबंदी है, चेकिंग है, व्हीकल चेकिंग्स हैं, होटल, लॉज, धर्मशाला, मुसाफरखाने की चेकिंग्स हैं और काफ़ी वेरिफिकेशंस हैं, टेनेंट वेरिफिकेशंस, सर्वेंट वेरिफिकेशंस, लेबरर्स वेरिफिकेशंस। तो ये सब मिला जुला के पिछले 2 महीने से काफ़ी इंटेंसिवली एंटी टेररिस्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं। जहाँ तक अरेंजमेंट्स का सवाल है, अपना शहर में सिर्फ रिपब्लिक डे परेड के लिए हमने अधिकारियों और जवानों के साथ करीब 20,000 प्लस फोर्स डिप्लॉयड है, जिसमें डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स के अलावा दिल्ली पुलिस के कमांडोज, आर्म बटालियन के ऑफिसर्स और जवान और सीएपीएफ के कमांडोज और उनके जवान, उनके अधिकारी इस ड्यूटी में तैनात किए गए हैं। 71 डीसीपी, 213 एसीपी, 753 इंस्पेक्टर्स और सब मिला जुला के करीब 27,723 की फोर्स यहाँ डिप्लॉयड है। इन सब को असिस्ट करने के लिए सीएपीएफ की 65 कंपनियाँ डिप्लॉय की गई। काउंटर रोग ड्रोन टेक्नोलॉजी के तहत एयर स्पेस को भी हम लोग ने सिक्योर किया हुआ है इन एंड अराउंड द एरिया वेयर द सेलिब्रेशंस विल टेक प्लेस। इसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दूसरी एजेंसीज की भी मदद ली गई है और कोशिश ये की गई है कि इस एरिया को हम लोग पूरी तरह से सिक्योर कर सकें। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इसमें ड्रोन्स, हॉट एयर बलून्स, पैराग्लाइडर्स, इनके मूवमेंट के लिए प्रतिबंध लगाया गया है और इसको अलाउ नहीं किया जाएगा।